स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 19 जुलाई को दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ठप होने से कौन कौन सी सेवाएं बाधित रहीं? ए एयरलाइन सेवाएं, बी बैंकिंग सेवाएं, सी शेयर बाजार, डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ठप होने के कारण पूरी दुनिया ठप हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के तमाम बैंक, बिजनेस, एयरलाइन, शेयर बाजार आदि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्वर पर निर्भर है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई है और कईयों का समय बदला गया। दुनिया के कई बैंकों के काम भी ठप पड़ गए और कई देश के शेयर मार्केट सेवा में व्यवधान आ गई है। अगला प्रश्न, कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? ए कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक, बी भारतीय वायुयान विधेयक 2024, सी बॉयलर बिल, डी वित्त विधेयक। आंसर बी भारतीय वायुयान विधेयक 2024। एक्सप्लेनेशन, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह भारतीय वायुयान विधेयक 2024 आने जा रहा है। नए कानून के तहत एविएशन सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के हिसाब से बिल में जरूरी प्रावधान भी किए जाएंगे। अगला प्रश्न, यूपी सरकार कार्बन फाइनेंस के माध्यम से किसकी आय बढ़ाएगी? ए विकलांग व्यक्ति, बी महिलाएं, सी किसान, डी व्यापारी। आंसर सी किसान। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश सरकार कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय बढ़ाएगी। इससे किसानों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसान तेजी से बढ़ने वाले पेड़ जैसे चिनार, मेलिया, दुबिया और सेमल लगाकर कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधे लगाने का और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग इंजन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? ए इंडियन ऑयल, बी भारत पेट्रोलियम, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आंसर ए इंडियन ऑयल। एक्सप्लेनेशन, इंडियन ऑयल ने अपने एक बयान में कहा कि उड़ीसा के पारादीप में स्थित कंपनी की रिफाइनरी ने रेसिंग कारों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हाई ऑक्टेन पेट्रोल स्टॉर्म एक्स का प्रोडक्शन शुरू किया है। इंडियन ऑयल इसी के साथ F1 रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जबकि दुनिया में कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां हाई ऑक्टेन पेट्रोल स्टॉर्म एक्स का प्रोडक्शन करती है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। आंसर ए एक। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से मात्र एक खिलाड़ी श्रेयसी सिंह शूटिंग प्रतिस्पर्धा महिला ट्रैक में भाग ले रही है। श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई से बीजेपी विधायक भी हैं। वहीं हरियाणा से सबसे ज्यादा 24 खिलाड़ी तथा पंजाब से 19 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।